Hi, today is our last day of exploring Rajasthan. That is day 8, and now we are at Jaipur. Yesterday we came from Udaipur. From Udaipur bus stand we took a bus and reached today morning at Syndicate. There the bus dropped us. From there we took a hotel at Lemon Tree Premier. I will show you the room in the evening after reaching. Now we have come to Abhaneri Chandbauri. It's a step well. It is largest and deepest well in India. We'll see that it's one of the best. If you are in Jaipur, you should come to this place and see. The thing is, it's about 100 kilometers from Jaipur city. So first we'll see this, then if we have time we'll go to Jaipur and we'll explore the Jaipur city. Theek hai, 5 ka de do aap, 5 rupaye main aake deta hu. बहुत सारी बावड़ी हैं। हाँ, 112 बावड़ी ऐसी है जो देखने लायक है। अच्छा, इन 112 बावड़ियों में सबसे बड़ी अगर कोई बावड़ी है तो ये बावड़ी है। बावड़ी का मतलब ऐसा कुआ जो 4-10 फीट से गिरा हो, उसको बोलते हैं बावड़ी। तो राजस्थान ही नहीं, पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी बावड़ी है। अब ये बावड़ी यहीं क्यों बनाई गई? बावड़ी कहीं भी बनाई जा सकती थी। हाँ, ये बावड़ी यहाँ इसलिए बनाई गई कि दो नदी के बीच में, ताकि नीचे से पानी आता रहे। अच्छा, और ऊपर का पानी बरसता रहे। हाँ, तो बिना पानी के बावड़ी देखी नहीं। अच्छा, जैसे जैसे बरसात आती है पानी का लोक पर आ जाता है। अच्छा, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम का हिस्सा है 8वीं-9वीं शताब्दी का, 8th-9th century। हाँ हाँ, वो 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच। अच्छा, ये बाथरूम है मेंस के लिए, बाथरूम फॉर वीमेंस के लिए। कौन सा वो वाला? हाँ, छोटा वाला। छोटे अच्छा, छोटे रूम्स हैं वो कपड़े बदलने के लिए, चेंजिंग रूम्स। ओ, ये दो छोटा छोटे। हाँ, ये छोटे वाले। अच्छा, ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हो एयर कंडीशनर नेचुरल है। हाँ, नेचुरली कैसे करेगा, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हाँ, 40 से ऊपर टेम्परेचर होता है, तो जैसे जैसे हवाएं चलेगी पानी के संपर्क आने के बाद ठंडी हो जाएगी। अच्छा, तो न केवल अपनी आर्किटेक्ट के लिए जानी जाती है चांदबावड़ी, बल्कि अपनी आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट एंड जगह का नाम है अभनेरी। अभनेरी का मतलब ये होगा कि चांदनी रात में जब चांद चमकेगा, धमकेगा, आभा देगा, अभनेरी। अच्छा, तो नाउ इज नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, प्रातः संरक्षण के अधीन है। अच्छा, कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, हिंदी के और अंग्रेजी फिल्मों की शूटिंग हुई। श्रीदेवी की जो बेटी थी, श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी, उसकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म यहाँ फिल्माई गई। अच्छा, उसके बाद ये लम्बे कई फिल्मों के अलावा यहाँ हॉलीवुड की भी शूटिंग हुई है। डी फॉल एंड डार्कनेस राइजेस, अब लोग आने लगे देखने के लिए और हम दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब ये खूबसूरत बावड़ी का निर्माण करवाया था चौहान वंशी थे, राजा चंद्र चांद उन्होंने बनाया, इसलिए इसका नाम पड़ा चांद बावड़ी। अच्छा, चांद बावड़ी। ये खूबसूरत बावड़ी है, अब सिर्फ एक दिन खुलता है, जल जून एकादशी के दिन जब लोग जानते हैं डाइविंग करना, बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं। हाँ, तो लोग कूदते हैं इसमें। हाँ हाँ, वो दिन देखने लायक होता है, इसमें हम फैमिली मेम्बर्स को भी लेके आते हैं। अच्छा, कब होता है वो? जल जून एकादशी।
अच्छा भाद्रपद के महीने में आता है, जलजुनी एकादशी, शानदार नजारा होता है जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। अच्छा ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है नेशनल, इसको बनाया गया था चौहान वंशी राजाओं के द्वारा, अब ये राष्ट्रीय संरक्षित घोषित कर दिया। हाँ। तो अब लोग आते हैं। हाँ, पहले तो नीचे जा सकते थे ना, अभी जाते थे, अब बंद कर दिया, कोई हादसा नहीं हो जाए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ इसको बंद कर। क्यों, वो डीप है क्या नीचे? अभी 13 फीट है वो, और 13 फीट है। तो जितने भी मूर्ति दिख रही है आपको, हाँ, सारी मूर्तियाँ मंदिर की है। अच्छा, बड़ा विशाल मंदिर था जब महमूद गजनी आया 11वीं शताब्दी में, तो उस मंदिर को तहस नहस कर दिया। अच्छा, मंदिर के पीछे जैसे 1100 रुपये के समथिंग चार्ज है शायद। ओके, अब ओनली फॉर 2% जाते हैं एलिफेंट पे। हाँ तो ठीक है, 1100 रुपया पर पर्सन और टू एलिफेंट पे। हाँ शायद 1100 रुपये या तो 2% का है या पर पर्सन का है, आपको पता नहीं है। बराबर ठीक है, एलिफेंट कहाँ से लेना है? आगे से एलिफेंट। तो एलिफेंट इतना दूर ऊपर लेके जाना, तो मेरे को भी ऊपर ही पड़ेगा, वो ठेठ के लेके अंदर उतारता है एलिफेंट। आपको भी ऊपर आना पड़ेगा? आना तो मेरे को भी पड़ेगा आपको पिकअप करने, आप क्यों है वन वे है ओनली एलिफेंट। अच्छा, वो आपको किले के अंदर ले जाके ड्रॉप कर देगा। हाँ ठीक है। हाँ बाकी आना तो मेरे को भी पड़ेगा फिर भी ऊपर पिकअप करने के लिए। ठीक है ओके। और ये क्या है इस तरफ, क्या है ये? पूरी आमेर किले की बाउंड्री है। तो इस तरफ से बाउंड्री ऐसे जाता है क्या? ये पूरी बाउंड्री है, ये जहाँ तक किले के चारों ओर जो बाउंड्री है ना, ये आमेर किले की बाउंड्री है पूरी। तो हम इस तरफ भी नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, उधर कहीं नहीं जाएंगे, मेन किला यहाँ है, किले के अंदर ही जाएंगे, इधर सब नहीं जा सकते। वो है जयगढ़। अच्छा, वो इस तरफ से आता है क्या? हाँ वो उधर से आता है, ऊपर तोप रखी हुई है। ओके ठीक है, ये और उससे ऊपर जाएंगे, उससे ऊपर है नारगढ़ किला। अच्छा, वहाँ पे वैक्स म्यूजियम वगैरह बना हुआ है, जब तक आप अंदर रहोगे कांच के फ्लोर पे चलोगे, ऊपर कांच रहेगा, मैजिक शो, पपेट शो, सब कुछ है वहाँ पर। अच्छा, वो उस रूट से जाता है? हाँ वो उधर से, जो बीच में से ऊपर चढ़ रहा था ना जहाँ पे। अच्छा, वो जयगढ़ है, वो नाहरगढ़ फोर्ट है, वो जो झंडा दिख रहा है ना। हाँ झंडा दिख रहा है, वो जयगढ़ है। ओके, उससे भी ऊपर है ना नाहरगढ़, वो कहाँ दिख तो नहीं रहा है, वो नहीं दिख रही, उससे भी ऊपर है। अच्छा, वो इधर नहीं है क्या? वो पहाड़ के ऊपर ही, इससे भी ऊपर जाना पड़ेगा अपन को। अच्छा देखिए, उस तरफ से रूट है, उसका अलग से रहता है वो। अच्छा,
नीचे जा सकते नहीं, वो बैठे उनसे पूछो, वो बैठे उनसे। अच्छा बैठे है क्या? तो बेचेगा नहीं। नीचे जा सकते थोड़ा भी नहीं। वी हैव रीच्ड जयपुर सिटी एंड राइट नाउ वी आर एट एम्बर फोर्ट, इवन इट इज कॉल्ड एज एम्बर फोर्ट। बिफोर गोइंग टू एम्बर फोर्ट ऑन द वे यू कैन सी दिस वन, दिस इज पेन्ना मेन्ना कुंड। इट्स वन मोर स्टेप वेल, दैट इज द एम्बर फोर्ट and that side is Jaigarh Fort. दीवाने आम, ये दीवाने आम राजा मान सिंह जी ने बनाया था, जो अकबर के चीफ कमांडर थे, जोधाबाई के भतीजे। उन्होंने 1589 में बनाना स्टार्ट किया, 1614 में ये कंप्लीट हुआ। दीवाने आम में ऊपर में आप आर्ट देखेंगे, हिंदू आर्ट बना हुआ, एलिफेंट डिजाइन, लोटस डिजाइन, पीकॉक डिजाइन, हिंदू आर्ट। बट डाउन साइड नज़र डालेंगे, सादा फूल पत्ती है, मुस्लिम आर्ट, हिंदू और मुगल आर्ट का कॉम्बिनेशन पूरा पैलेस में दिखाई दे रहा है, छोटे-छोटे स्टार्स। तो ये शीश महल है दुनिया का सबसे बड़ा, जो राजा लोग विंटर टाइम में अपने रेजिडेंस के यूज में लेते हैं। नीचे में जो अधिकतर गिलास से वो गवर्नमेंट रेनोवेशन करवाया, क्योंकि पहले अंदर अलाव था तो लोगों ने निकाल दिया अधिकतर, इस वजह से गवर्नमेंट ने रेनोवेशन करवाया। तो ये शीश महल देखा केवल विंटर टाइम के लिए। एक रानी का बेडरूम है, इसके अंदर में व्हील चेयर है जो चंदन की लकड़ी से बना हुआ, डोली है, नीला कारी का है, अपने डोला नहीं निकली, इस पे बिठा के रानी को विजिट कराते थे हिंजड़े लोग। ये दो व्हील आगे हैं, दो व्हील पीछे है। अच्छा। और ये चंदन की लकड़ी से बना हुआ है और इस पे मीनाकारी पूरा वर्क किया गया है हाथ के द्वारा पूरा। देखिए एक रानी का बेडरूम हो गया समर टाइम, जो स्लोप बना हुआ है इसके ऊपर में टैंक बनाया गया है, सभी नेचुरल चीजों से बनाया है, जैसे मखराना मार्बल, इसका पाउडर, चूना, सी पंडी, दूध, दही, उड़द की दाल, गुड़ नेचुरल, उसमें जो वाटर स्टोर होगा ठंडा होगा, स्मेल आएगा तो इस्टर मिक्स कर देंगे। राजस्थान में समर टाइम में एयर डायरेक्ट वेस्ट टू ईस्ट होता है, ओपन होल देख रहे हैं जाली, उधर से गर्म हवा, ऊपर से ठंडा पानी, तो उधर से जो गर्म हवा आएगी ठंडे पानी के पास से गुजरेगी, ठंडी हवा में खुशबूदायक हवा में चेंज हो जाएगी। तो ये यहाँ पे देखिए जाली से गर्म हवा आएगी और ऊपर से ठंडा पानी, तो वो क्रॉसिंग होगा तो नेचुरल एसी का काम करेगा। यहाँ पे जो हुक लगे हुए हैं खसखस के पर्दे लगा दिया करते थे, इनसाइड में एक्स्ट्रा वाटर चैनल के द्वारा गार्डन को सप्लाई हो जाएगा, वेस्टेज नहीं जाएगा। ऊपर में चार रुकेदार रानियों के लिए झूला होता था। पद्मनी देवी जो सिटी पैलेस में रहती है जिंदा, कुमारी दिया कुमारी अभी सांसद है। अच्छा। राजस्थान राष्ट्र मंत्री दिया कुमारी का लड़का है, वो जयपुर के राजा है अभी। अच्छा। इनका नाम है सवाई पद्म नाम सिंह, तो अभी ये 23 वर्ष के यूके में रहता है, अभी यूके में रहता है। हाँ, पर अभी सिटी पैलेस में आए हुए हैं राजा जी। ठीक है, जयपुर का किंग अभी ये लड़का जो 8 वर्ष का था जब राजा बना दिया था राजा ने गोदले, जयपुर का राजा ही है जो दुनिया में फेमस है 100 ग्राम का। दिस इज जल महल। वेल Returning back from Amber Fort, you can just have a good photo shoot over here. Nothing much to see here. We have checked into hotel again. This is Lemon Tree Premier.
दिस इज द रूम। We got this room for 6,000 net, inclusive breakfast and extra bed. Now we have come to the end of the video. In Jaipur, if you are exploring, there is nothing much to see in Jaipur city. If you are coming to Jaipur, I would suggest you should go to Abhinari Chandbauri Stepwell, which is worth visiting, and in Udaipur, after that you can go, if you have time, you can go to Amber Fort, that is okay. And in Udaipur, if you are exploring in Udaipur, I would suggest you can skip Udaipur city, as there is nothing to see interesting. You can do like, you can come to Udaipur, you can go straight to Kumbhalgarh. You can check in there. There are many resorts are there, hotels are there. You can explore Kumbhalgarh Fort. You can take Jeep Safari. You can do adventures. Helicopter ride is there. So that would be a better option. And if you're going to Kumbhalgarh, after that, you can go to Haldi Ghati. Haldi Ghati is also worth visiting. And if you have time, you can go to even Chittorgarh Fort. In Jaipur city, nothing much interesting. That's my view. So now we have come to the end of the video. If you have any queries, you can comment it. I will reply as soon as possible. And if you have any other suggestions, like how to improve the video, you can too comment that too, so that we can work on it. Next, we are planning to cover Udupi in Karnataka. Very soon, the video will be coming out. Thanks for now. Bye-bye.